चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिल्ली को पानीपत करनाल होकर चंडीगढ़ से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से उत्तर में लगभग 70 किलोमीटर सफर तय करने के पश्चात पानीपत जनपद में पानीपत से 16 किलोमीटर दक्षिण में बसा समालखा। समालखा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं रेलवे स्टेशन समालखा से। शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित इस रेलवे स्टेशन से दिल्ली कालका मुख्य रेलमार्ग गुजरता है। यहां दिल्ली पानीपत अंबाला आदि मुख्य शहरों के लिए अनेकों पैसेंजर रेलगाड़ियां आसानी से उपलब्ध हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूर्व में प्रारंभ होने वाली मुख्य सड़क रेलवे रोड के रूप में पहचानी जाती है। यह सड़क समालखा शहर की जीवन रेखा है। मुख्य बाजार एवं घनी आबादी वाला समस्त क्षेत्र इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है। समालखा वर्तमान में पानीपत जिले की 4 तहसीलों में एक है। इसके नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 57,000 से अधिक की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से पानीपत जिले में पानीपत के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रेलवे रोड पर दोनों ओर आधुनिक व्यापारिक प्रतिष्ठान, सुंदर एवं कलात्मक भवन बहुतायत में नजर आते हैं। समालखा ब्रिटिश भारत में करनाल जिले की पानीपत तहसील अंतर्गत आता था। हरियाणा राज्य के गठन के पश्चात यहां तहसील स्थापित की गई एवं 1989 में पानीपत के जिला बनाने पर इसे पानीपत जनपद में सम्मिलित कर दिया गया। समालखा हरियाणा के प्रमुख व्यापारिक मंडियों में सम्मिलित होता है। यहां बड़ी संख्या में कृषि यंत्र बनाने का कार्य भी किया जाता है। रेलवे रोड अपने पूर्वी छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुड़ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर समालखा शहर की घनी आबादी बसी हुई है। यह सड़क मार्ग द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना शामली से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ौत को जोड़ने के लिए बिलासपुर कुरडी के मध्य यमुना नदी पर सेतु का निर्माण प्रगति पर है। समालखा जैसे सुंदर शहर को कैमरे में कैद करना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। समालखा पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो समालखा नगर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।